Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and designing is all about dreaming. So BNI5, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA'd. Yes, I am an IFA'd. Design your future. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार आगरा की जनता से रूबरू होने और 19 नवंबर को GIC मैदान में जनसभा करने आ रहे हैं। पिछले कई दशकों में यह पहली बार का मौका है कि स्थानीय निर्वाचन के प्रचार हेतु प्रदेश का मुखिया जनसभा कर अपने समर्थकों में जोश भरने का काम करेगा। मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम को लेकर GIC मैदान में तैयारियाँ जोरों पर हैं। केसरी रंग के प्रेमी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए मंच को केसरिया रंग में सजाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो भाजपा की हो रही आलोचना से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की हवा ने भाजपा की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। सियासत की दौड़ में अब्बल रही भारतीय जनता पार्टी छोटे बड़े सभी चुनाव रूपी किलों पर फतेह करना चाहती है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ राम नाम के सहारे आगरा की जनता से जीत दिलाने की अपील करते नजर आ सकते हैं। व्यवस्था प्रमुख हेमंत भोजवानी ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में आगरा मिनी राजधानी के रूप में है, और निश्चित रूप से कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह, कार्यकर्ताओं में योगी जी को सुनने का उत्साह है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके आने मात्र से कार्यकर्ताओं में उत्साह का जोश पैदा होता है, उनको सुनने के लिए उनके रैली स्थल को यहाँ भव्य सजावट की जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार 7 मई को आगरा आए थे, उसके बाद अभी 26 को आए, ये तीसरा दौरा है, और निश्चित रूप से एक निष्ठावान और अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से जब वो आते हैं तो कुछ ना कुछ विकास की गंगा बहाते हैं। लेकिन इस बार तो अभी चुनाव की आचार संहिता है, अभी 26 तारीख को आगे तो विकास के लिए आगरा के विकास के लिए बहुत कुछ दे गए थे, तो और आगरा के निकाय चुनाव की बात है, निश्चित रूप से यहाँ 70 से अधिक पार्षद और नवीन जैन जी 1 लाख मतों से ज़्यादा जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। मुख्यमंत्री आगमन स्थल व्यवस्था संचालकों की माने तो GIC मैदान में 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। विरोधियों की माने तो पिछली जनसभा CM महोदय की कोई खास जादू नहीं करा पाई थी। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।